लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। राजस्थान हमें वसुंधरा बनाएगी नई पार्टी, मोदी शाह चिंतित, कांग्रेस में खुशी की लहर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं राजस्थान में भी जेपी का प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। अशोक परनामी का इस्तीफा मंजूर करने के बाद से यह पद खाली पड़ा है। पिछले 2 महीने से यह पद खाली पड़ा है। परमानी का इस्तीफा स्वीकार होने की बात वसुंधरा राजे को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक को चुनौती देते हुए नया प्रदेशाध्यक्ष पूरी तरह से अपने संगठन वाले आदमी को बनाने का ऐलान कर दिया। इस समय राजस्थान में वसुंधरा राजे का विधायकों के बीच पूरा समर्थन है, जिसमें राजस्थान में बीजेपी पर उनकी पकड़ भी है। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और आलाकमान के सामने झुकना पड़ रहा है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अब यहां तक संकेत दे दिए हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष पर उनके किसी विरोधी को बिठाया जिसने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण करने में दखलंदाजी की, तो वे अपने विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएगी। वसुंधरा ने साफ कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। राज्य की सत्ता में लगातार 5 साल रहने के कारण वसुंधरा के पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर वसुंधरा राजे पार्टी से अलग होती है तो राजस्थान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि राजस्थान में अभी वसुंधरा राजे की टक्कर का कोई बड़ा नेता नहीं है, क्योंकि जिसने वसुंधरा से बड़ा बनने की कोशिश की उसे या तो वसुंधरा ने पार्टी से निकाल दिया या फिर उसने खुद पार्टी से इस्तीफा दे दिया।